वेलकम बैक टू आवर डिटेलिंग चैनल गाइस, मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। और आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, ये एक इंटीरियर क्लीनिंग का फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। आज हम क्लीन करने वाले हैं स्विफ्ट डिजायर। गाड़ी काफी पुरानी है, ये गाड़ी पहले कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हुई है, तो सालों के यूज से गाड़ी अंदर से काफी गंदी हो गई है। रूफ लाइनर और बाकी के पैनल्स पे हमने आपको सब कंडीशन अभी दिखाने की कोशिश की है। पैनल्स काफी काले हो चुके हैं। सीट्स, फ्लो, कारपेट और सभी प्लास्टिक्स पे भी बहुत ज़्यादा ग्राइम का डिपॉजिट है। कुछ कुछ पैनल्स हम पार्ट में क्लीन करके दिखाएंगे, जैसा कि रूफ लाइनर और इवन सीट पे हमने हाफ एंड हाफ क्लीनिंग की है, ताकि आपको स्ट्रेट अप डिफरेंस दिखा सके कि पहले और बाद में कितना फ़र्क आया है। इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि जब प्रोफेशनल्स आपकी गाड़ी क्लीन करते हैं तो हम कितना बड़ा डिफरेंस केबिन के अंदर बना सकते हैं। क्योंकि हम गाड़ी में रोज़ बैठते हैं तो हमें पता नहीं चलता टाइम के साथ गाड़ी कितनी गंदी हो जाती है। अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एटलीस्ट साल में एक बार तो आप अपनी गाड़ी प्रोफेशनली क्लीन कराएं। ये वीडियो हमने काफ़ी डिटेल में बनाया है, काफ़ी लंबा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। गाड़ी का कंडीशन तो आप देख ही चुके हैं, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी क्लीन करने के लिए जिस सामान की ज़रूरत है उसमें से सबसे पहला है एक अच्छा इंटीरियर क्लीनिंग लिक्विड, साथ ही में कुछ क्लीन माइक्रोफाइबर्स चाहिए, कुछ अच्छे ब्रशेस चाहिए, एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए ताकि जहाँ पर हम लिक्विड से क्लीनिंग कर रहे हैं वहाँ पे एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़े तो वैक्यूम से किया जा सके। और एंड में ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे ड्रेसिंग की, या पॉलिश भी बोल सकते हैं आप उसको। इंटीरियर क्लीनिंग लिक्विड पीएच न्यूट्रल के जितने पास होगा उतना ही अच्छा होगा। अगर आप लोगों ने स्कूल में साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पीएच न्यूट्रल वैल्यू 7 होती है, और 7 के नीचे 6 से लेके 1 तक एसिड्स होते हैं, और 7 के बाद 8 से लेके 14 तक बेसिस होते हैं। सो अगर इंटीरियर क्लीनिंग का लिक्विड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेस रहेगा, तो ये आपका कार्पेट, रूफ लाइनर, फ्लोर, सीट्स को डैमेज भी कर सकता है। इसका साइड इफेक्ट ऐसा दिखेगा कि क्लीनिंग हो जाने के कुछ टाइम बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके लेदर सीट कवर्स क्रैक कर रहे हैं, या फिर आपका जो रूफ़ का लाइनर है उसमें से हल्के हल्के रेशे या बाल जैसे निकल रहे हैं, या वो जलावा भी दिख सकता है। सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि रूफ लाइनर क्लीन करने के लिए हमने पहले इंटीरियर क्लीनिंग का लिक्विड छत पे स्प्रे किया, उसके बाद लाइट स्पंज से उसको क्लीन किया, और उसके बाद एक माइक्रोफाइबर से उसको वाइप डाउन कर दिया। अब ये स्विफ्ट डिज़ायर की छत है तो इसे क्लीन करने का ये तरीका है। अगर कोई प्रीमियम गाड़ी होगी जैसे आउडी, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू होगी, तो उनका रूफ लाइनर थोड़ा अलग होता है, पेस्टेड रहता है, वहाँ पर आप डायरेक्टली स्प्रे नहीं कर सकते हैं छत पर। अगर छत पर डायरेक्टली लिक्विड स्प्रे किया जाएगा तो उस केस में रूफ डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो हर गाड़ी को हम अलग अलग तरीकों से हैंडल करते हैं। बहुत लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम गाड़ी क्लीन करते हुए ग्लव्स क्यों नहीं पहनते हैं, तो मैं आपको वापस से ये बात समझा दूं कि जो क्लीनर्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, स्किन सेफ होते हैं, और हम रेकमेंड भी यही करेंगे कि आप इसी तरीके के क्लीनर्स यूज़ करें। होता क्या है, स्ट्रॉन्ग क्लीनर्स यूज़ करने से पैनल की क्लीनिंग तो फटाफट हो जाती है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बट बाद में डैमेज होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। माइल्ड क्लीनर्स यूज़ करने से टाइम ज़्यादा जाता है, लेबर ज़्यादा जाती है, पर इन
इन द एंड प्लास्टिक की क्वालिटी या फैब्रिक की क्वालिटी या लेदर की क्वालिटी विद टाइम डिग्रेड नहीं करती। सिंपल टर्म्स में इसको समझाऊं तो देखिए, आप बॉडी पर शैम्पू भी यूज़ करते हैं या सोप भी यूज़ करते हैं, पर ये आपके स्किन को डैमेज नहीं करता। वहीं पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आपका स्किन काफ़ी डैमेज हो जाएगा। इसी तरीके से गाड़ी के पैनल्स भी हैं, फैब्रिक भी है, लेदर भी है, प्लास्टिक्स भी हैं। माइल्ड क्लीनर यूज़ करने से इनकी लाइफ में, ड्यूरेबिलिटी में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। अब ज़्यादातर रेगुलर गाड़ियों में जो सीट कवर होते हैं वो जेन्युइन लेदर के तो नहीं होते। आर्टिफिशियल लेदर, लेदरेट के ये जो सीट कवर्स होते हैं ये कपड़े से बने होते हैं पर लेदर जैसे दिखते हैं। जेन्युइन लेदर जो है वो डेड एनिमल स्किन है, तो जिस तरीके से हमारा स्किन होता है, हमें स्किन को मॉइस्चराइज रखना पड़ता है, पोर्स को क्लीन रखना पड़ता है, उसी तरीके से लेदर को भी हम हैंडल करते हैं। लेदर की लंबी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइमली लेदर को क्लीन किया जाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो गंदगी आप गाड़ी में देख रहे हैं ये जमा हो जाने के बाद गाड़ी में जर्म्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो टाइमली इंटीरियर क्लीनिंग कराने से गाड़ी के अंदर जर्म्स नहीं रहते। आप कभी भी नोटिस करना कि गाड़ी के अंदर जब भी हम एसी चलाते हैं तो ज़्यादातर हमेशा रीसर्कुलेशन मोड पे चलाते हैं। व्हाट दैट मींस इज गाड़ी के अंदर की हवा वापस से रीसर्कुलेट होती है। तो सोचिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने जर्म्स गाड़ी के केबिन के अंदर हैं जो हम वापस से इनहेल कर रहे हैं। रेगुलर क्लीनिंग कराने से ना केवल गाड़ी साफ रहती है बट गाड़ी के अंदर बैठने पर जो खुशबू आनी चाहिए या जो फील गुड फैक्टर हमें मिलना चाहिए वो भी हमें मिलता है। डोर पैनल्स को क्लीन करते हुए हम ये ज़रूर ध्यान में देते हैं कि डायरेक्ट स्पीकर ग्रिल के ऊपर हम लिक्विड स्प्रे ना करें। अगर आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे तो हमने उसके आजू बाजू में लिक्विड स्प्रे किया है, ना कि ग्रिल के डायरेक्टली ऊपर। ये इसलिए किया जाता है कि स्पीकर ग्रिल के अंदर जो स्पीकर है वहाँ पर लिक्विड डैमेज ना हो। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर जो हमने रूफ़ का आपको सैंपल दिखाया है उसमें काफ़ी मेजर डिफरेंस है। एक तरफ रूफ़ जो है वो अब पूरी क्लीन हो चुकी है और दूसरी तरफ जो रूफ़ है वो अभी भी काफ़ी काली पड़ी हुई है। यही पूरा प्रोसेस अब हम दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे ताकि ये पूरी छत क्लीन हो जाए। सीट्स पर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा विजिबल डिफरेंस है। एक तरफ की सीट काफ़ी ब्लैक हुई हुई है और दूसरी तरफ की सीट अब काफ़ी क्लीन हो चुकी है। डोर पैनल पर भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ का डोर पैनल पूरा ब्लैक्ड आउट है जिस पे गंदगी जमा हुई है और दूसरे तरफ का क्लीनिंग के बाद ओरिजिनल कलर बाहर निकल कर आया है। ये हाफ एंड हाफ क्लीनिंग करके आपको दिखाने का एक मेजर रीज़न यही था कि आमने सामने आपको डिफरेंस पता लगे। तो चलिए अब ये जो पैनल्स हमने आधे आधे क्लीन किए हैं इनको अब पूरे तरीके से कंप्लीट क्लीन किया जाए और बाकी के गाड़ी का भी इंटीरियर क्लीनिंग अब हम रिज्यूम करेंगे।
गाड़ी के ना केवल ही सब बड़े बड़े पैनल्स बट सभी नुक्स एंड क्रैनीज को भी प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। हम सभी कॉर्नर्स पे प्रॉपरली क्लीन करते हैं, ज्यादातर एरिया में बड़े ब्रशेस, जहां पर बड़े ब्रशेस नहीं पहुंच सकते वहां पर छोटे ब्रशेस, डिटेलिंग ब्रशेस और माइक्रोफाइबर्स का यूज किया जाता है।
ऊपर ऊपर के मेजर पैनल्स की सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो जो अब बचता है वो है अंडर द सीट और सारा फ्लोर एरिया। सीट हटाने के बाद आप देख सक रहे होंगे कि कितना गंदा हो रखा है नीचे से इंटीरियर। तो खाली ऊपर ऊपर से ही क्लीनिंग कर देना नहीं, बल्कि ऐसे एरियाज जो नॉर्मली हमें दिखते नहीं हैं उन पे भी प्रॉपरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पर लोग 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये में आपकी गाड़ी क्लीन कर देते हैं। मैंने बहुत बार लोगों के कमेंट्स भी सुने हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे यू गेट व्हाट यू पे फॉर। ये जो 300, 400, 500 रुपये में जो क्लीनिंग होती है ये प्रॉपर ऑटोमोटिव क्लीनर्स यूज़ नहीं करते हैं। कॉस्टिक सोडा जैसे हैवी क्लीनर्स यूज़ किए जाते हैं। ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आपके हाथ पर भी लग गए तो आपका हाथ जल जाएगा। और ज़्यादातर लोग अपनी 10, 12, 15, 20 लाख की गाड़ी इतने सस्ते और इतने हैवी ड्यूटी केमिकल से क्लीन कराने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, आप भले हमसे गाड़ी क्लीन कराएं या किसी और से, पर कहीं भी आप क्लीनिंग कराएं या कहीं भी डिटेलिंग कराएं तो हमेशा एक अच्छे प्रोफेशनल से कराएं, जिनको पता हो कि वो आपकी गाड़ी पर क्या सामान यूज़ कर रहे हैं, ताकि बाद में आपकी गाड़ी पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमारी गाड़ी इतना महंगा प्रोडक्ट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अपनी गाड़ी 5-6 साल यूज़ करते हैं, तो 1000-1500 रुपये बचाने के लिए किसी भी ऐसे आदमी को अपनी गाड़ी पर ना काम करने दें जो आपको बाद में 10-15-20 हज़ार का नुकसान झेलना पड़े। गाड़ी का इंटीरियर क्लीनिंग अब कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर में कितना मेजर डिफरेंस है। इंटीरियर क्लीनिंग करने के लिए ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे लगते हैं। कॉस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, तो वीडियो से रिलेटेड सभी डिटेल्स की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। हम आपके लिए और भी नया कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।